दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति पे। हरियाणा की राजनीति बड़ी तेज गति से घूम रही है। कल एक दिन में 4 राजनीतिक दलों का आपस में गठबंधन हुआ। सबसे पहले नरवाणा में अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। वह उसके बाद नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी व जेजेपी के बीच में गठबंधन हुआ। जेजेपी जहां 7 वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ हैं राजनीतिक चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश चोपड़ा जी। हमारे साथ हैं सिरसा के नहीं पूरे भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के वरिष्ठ नेता स्वर्ण सिंह विर्क जी, और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री अमर सिंह जी। सबसे पहले अमर सिंह जी, इन गठबंधनों का अर्थ क्या है? देखिए चोपड़ा साहब, भाटिया जी, जिस तरह से लगातार आपने देखा कि राजनीति के अंतर गठबंधनों की काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के साथ उन्होंने दिल्ली में कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, और जिन चुनाव में भी जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने ये कह सकते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ा, तो इस गठबंधन के बारे में काफी टाइम से चर्चा चल रही थी। उसके बाद हम बात करें भाजपा और अकाली दल की। अकाली दल ने यहाँ पे जब पहले इनके नेता आए थे, वीरभान मेहता जी ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें ये कहा गया था कि हम हरियाणा में अगर गठबंधन करेंगे तो दुष्यंत के साथ करेंगे। उसके बाद लगातार ये भी चर्चा चलती रही कि दुष्यंत के साथ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभय सिंह के साथ भी करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के काफी लंबे समय से एक अच्छा गठबंधन चला रहा, बड़ा लंबे तरह गठबंधन है। इसी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया कि हाँ, इन्होंने गठबंधन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों गठबंधन का फायदा नुकसान क्या होगा, दूसरी पार्टियों पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जगदीश चोपड़ा जी से पूछना चाहूंगा, चोपड़ा जी, जो पहला गठबंधन जो आपकी पार्टी के साथ हुआ है और अकाली दल का हुआ, इससे भाजपा को आप कितने लाभ मिलने की उम्मीद करते हैं? देखिए, श्रोमणी अकाली दल ने कल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की, उसका जितना भी स्वागत किया जाए वो कम है। यह गठबंधन सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है। मैं आपके बात में ध्यान में ये बात लाना चाहूंगा कि ये विशेषकर जो उत्तरी भारत है उसमें राजनीतिक परिवेश के साथ सामाजिक जो आपस में रिश्ते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गठबंधन जहां पे राजनीतिक दलों का है वहां पे सामाजिक रिश्तों को, नातों को ये बहुत दृढ़ता प्रदान करता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यावश्यक है। जहां तक राजनीति की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दशकों दशकों से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल एक होकर चल रहे हैं, और मैं अगर मेरे से आप पूछो तो पंजाब में जो उग्रवाद प्रस्त हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो इस गठबंधन की थी। ये एकता का सूत्रपात है। चोपड़ा साहब, मैं आपको बीच में रखूंगा। आपने कहा कि पंजाब का उदाहरण दिया जो काफी लंबे समय चल रहा है, हरियाणा में आपने ये कहा कि राजनीतिक गठबंधन नहीं है, लेकिन देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक गठबंधन है, क्योंकि पारिवारिक गठबंधन बादल परिवार का अभी चौटाला परिवार के, चाहे अभय सिंह जी हो, चाहे दुष्यंत हो, चाहे सभी हो, इनके साथ पारिवारिक गठबंधन, पारिवारिक रिश्ते अभी भी है। लेकिन आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि ये केवल और केवल राजनीतिक गठबंधन है, क्योंकि जो जो जितने कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर मौजूद है अकाली दल के, वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आज से पहले, जब ये दोनों पार्टियां अलग थी उससे पहले इनेलो से जुड़े हुए थे, और वही कार्यकर्ता इनके साथ थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सामाजिक गठबंधन है, ये राजनीतिक गठबंधन है। अब इसका असर कितना होगा ये आप बताइए। मैंने ये नहीं कहा कि ये राजनीतिक गठबंधन नहीं है, मैंने ये कहा इसका महत्व उससे भी ज्यादा सामाजिक एकता के लिए और राष्ट्रीय एकता में इसकी भूमिका है। लेकिन क्योंकि दोनों राजनीतिक दल हैं तो स्वाभाविक है कि उनका गठबंधन हुआ है तो उसमें राजनीतिक भूमिका भी दोनों दलों की रहने वाली है। और ये निर्विवाद सत्य है कि जब ये दोनों इकट्ठे आए हैं तो इसका बहुत ही प्रभावी असर होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी, पहले भी वातावरण हरियाणा में बहुत अच्छा था, लेकिन श्रोमणी अकाली दल के साथ आने के पश्चात
जैसे एक अत्यंत दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटें निश्चित हो गई है, तो ये इस गठबंधन का प्रभाव सबसे जो अहम है वो यही है कि यहाँ पे बिल्कुल स्वीप होने जा रही है और बाकी जितने भी शेष दल हैं वो इसके पश्चात इतने ज्यादा डीमोरलाइज हो गए हैं कि उनको बहुत आगे इसकी दिक्कत खड़ी होने वाली है। वीरेंद्र साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले आप इससे शुरुआत कीजिए, जो जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है उसका हरियाणा की राजनीति में आगे, खास करके विधानसभा जो चुनाव आगामी होंगे और अब जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जजपा का आपसे हो, बीजेपी का अकाली दल से हो, ये जितने भी गठबंधन हैं, मैं समझता हूँ कि ये सब अवसरवादी गठबंधन हैं। इनमें वो जो बुनियादी सोच है दोनों दलों की, वो कहीं भी उनमें आपस में ये तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। चुनावों के लिए, चुनावों के समय ये इस किस्म के गठबंधन और भी नजर आ सकते हैं। तो जेजेपी जो है वो कल तक लोकदल का एक हिस्सा थी और अब लोकदल से वो जब अलग हुए, अलग दल उनका बना, तो यही वजह थी कि प्रकाश सिंह बादल या श्रोमणी अकाली दल की दुविधा थी कि इन दोनों में से किसकी ओर जाएं। इसीलिए उन्होंने एक एस्केप करने के लिए बीजेपी का किया है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ अकाली गठबंधन से नहीं होगा। बीजेपी वाले हरियाणा के लिए पानी की मांग करते हैं, बाकी दल हरियाणा का पानी के लिए मांग करते हैं, और अकाली दल पंजाब में वो संधि को द्रस्त करने के लिए, कभी नहर पूरने के लिए, तो वो सब SYL के मुद्दे पर इनके हित टकराते हैं। कहीं भी वो इस किस्म का ये सामंजस्य बैठा नहीं पाएंगे। और वोटर सब समझता है, वो जागरूक है देश का वोटर। ये है सर, एक चीज मैं आपसे ना, क्योंकि आपका भी राष्ट्रीय दल है, जैसे आपने ये कहा भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और इनके जो है पानी के नाम पे इनके हित टकराते हैं। मेरा ये मानना है कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस हरियाणा के लिए पानी मांगती है, पंजाब की कांग्रेस वो सारी संधियों को निरस्त करती है। वो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी जब ये संधियां निरस्त की गई। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर और स्टैंड है, हरियाणा में और स्टैंड है। आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है, जो खास तौर पे हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में भी पानी चाहिए, हरियाणा में भी चाहिए। जब वो पंजाब में जाते हैं तो वो ये कहते हैं भी पंजाब का पानी किसी को नहीं देंगे। तो ये राष्ट्रीय दल के चाहे राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, वो अपने अपने स्टेट के हितों की बात नहीं करेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन आपके हिसाब से आप क्या समझते हो, दोनों गठबंधन हुए हैं, किस तरह से क्या किस गठबंधन में फायदा हुआ, कैसे मानता है आप इस गठबंधन? देखो, ये जो आपने वीरक साहब ने जो बात सुनी, अकाली दल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अकाली दल शायद भारतीय जनता पार्टी से मोल भाव कर रहा था भी एक सीट उन्हें संसदीय सीट मिल जाए और कुछ विधानसभा मिल जाए। लेकिन इन्होंने आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अपना आकलन है भी, हम 8-9 सीटें और सर्वे भी बता रहे हैं, तो उन्होंने उनको भाव नहीं दिया। तो वो एक जर्नलिस्ट का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे भी उनका तो आत्मसमर्पण है, तो शायद अकाली दल के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। सबसे बड़ी बात जो है, अकाली दल पंजाब में जो है वो बड़ी विचित्र स्थिति में है, शायद पंजाब में उसकी एक भी सीट ना आए या एक आधी सीट वो बचा पाए, तो उनको किसी ना किसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। उन्होंने तो अपनी मजबूरी में इनको समर्थन दिया है, उनके पास कोई और जो है ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन मेरा ये मानना है सबसे ज्यादा नुकसान अगर कल के एक दिन में किसी का हुआ है तो वो इनेलो का हुआ है, क्योंकि इनेलो से निकला हुआ जेजेपी जहां आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कुछ प्रतिशत वोट ले जाएगी, सीट में तब्दील होगी या नहीं होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इनेलो के लिए जो जींद जैसी जो स्थिति है शायद वो पूरी स्टेट में ना पैदा हो जाए, उनके लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के तो अच्छे दिन आ ही रहे हैं क्योंकि उन्हें बिन मांगे समर्थन मिल रहा है। छोटा सा आप कहना चाहते हैं, जो आम आदमी पार्टी का और जो जेजेपी का गठबंधन हुआ है, इसमें वो दोहरा नहीं है कि जो NCR एरिया में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के आसपास उनका प्रभाव जरूर है, तो आप उस गठबंधन को अपनी पार्टी के लिए कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है
जिसने सबसे पहले तो अन्ना हजारे को धोखा दिया, जो कि एक राष्ट्रीय, अगर मैं उसे कहूं कि तपस्वी के रूप में उभर कर सामने आया था और देश की कुरीतियों और अव्यवस्था के विरुद्ध उसने आवाज उठाई थी, और वहां से उपजा हुआ, उनकी छत्र छाया में उपजा हुआ केजरीवाल जी, इन्होंने पहले उनके साथ विश्वासघात किया, उनको धोखा दिया। दिल्ली में सरकार, मैं वहीं पे आ रहा, दिल्ली ने विश्वास किया कि ये नया लड़का आया है और ये कह रहा है कि मैं व्यवस्था को बदलूंगा। 70 में से 67 सीटें देना अपने आप में अभूतपूर्व, अपूर्व और हिस्टोरिकल था, लेकिन उसके पश्चात जब सत्ता में आए तो केजरीवाल जी का कंडक्ट अपने कथनी के बिल्कुल विपरीत हो गया। इनकी दो राज्यसभा की जो सीटें गई, बच्चा बच्चा कहता है कि उसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं था, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी, उसमें सिर्फ मॉनेटरी पैसे का खेल था कि वो दो सीटें गई। लोगों का विश्वास टूटा, देश का विश्वास टूटा, और आज केजरीवाल जी की विश्वसनीयता जो है वो स्टेज पर है, और उनकी अगर मैं कहूंगा क्रेडिबिलिटी अगर जीरो के आसपास है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए जेजेपी हो और साथ में केजरीवाल, 0+0=0। लेकिन केजरीवाल का यह आरोप है कि जो दिल्ली है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, जितने उन्होंने काम करवाए चाहे स्कूल के हो चाहे अस्पताल के हो, उसके बारे में वो कहते हैं कि हरियाणा में उनको देखने का मौका मिला और जाके दिल्ली देखने की वो बात करते हैं। साथ में उनका भी एलजी ने हमेशा उनके काम में अड़ंगा हटाया केंद्र सरकार की वजह से, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता ना, वो उसके बहाने खोजता है, जिसने करना होता है काम वो कंसंट्रेट करता है अपने काम पे। आप परफॉर्म कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं, और जिसने नहीं करना वो सत्ता में बैठ के भी कुछ नहीं कर सकता, फिर बहानेबाजी खोजता है। देश जानता है, जनता जानती है, और इसी लोकसभा के चुनाव में लोग केजरीवाल जी को ऐसा धाराशाही करेंगे कि उनको अपनी हैसियत का बिल्कुल सामने दर्पण में सब कुछ नजर आ सके। अंत से पहले मैं केजरीवाल पे एक बात कहना चाहूंगा। केजरीवाल ने जिस ढंग से कांग्रेस के बारे में और शीला दीक्षित के बारे में जो बातें कही थी, और ये कहा था भी मेरे पास इतने ज्यादा सबूत है, और इस बार केजरीवाल ने जिस ढंग से कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाया है समर्थन के लिए और गठबंधन के लिए, और कांग्रेस ने उससे अंत में भी गठबंधन नहीं किया, शायद जो है ना चोपड़ा जी की कुछ बातों में दम हो सकता है, केजरीवाल की जो है प्रतिष्ठा वो स्टेक पे है। तो हम अंत में केवल दो शब्द, विर्क साहब से पहले हमने थोड़ा सा कम समय दिया है, तो विर्क साहब आप कम्युनिस्ट पार्टी क्योंकि यहाँ ज्यादा नहीं है, तो कम्युनिस्ट क्या केजरीवाल के साथ जाएंगे या क्या करेंगे? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, वैसे तो लगातार हम कई चुनाव में देख रहे हैं कि जो बेसिक इशू है, जो लोगों की डेवलप समस्याएं हैं, किसान की फसल नहीं बिक रही है, स्वामीनाथन है, कर्ज ग्रस्तता है, किसान आत्महत्याएं हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार विहीन विकास चल रहा है पिछले दिनों से, और महंगाई लगातार बढ़ रही है, अदारों में भ्रष्टाचार है, इन मजदूर किसान दस्तकार छोटे मोटे कारोबारी की इन ज्वलंत समस्याओं की ओर बिना वामपंथ के कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ देश का वामपंथ है, और हरियाणा का लेफ्ट सीपीआई अंबाला में लड़ रही है इन मुद्दों को उभारने के लिए, सीपीएम हिसार में लड़ रही है इन मुद्दों को उभारने के लिए, और बाकी जगह पर हम ये देखेंगे कि जो सेंटर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने में सक्षम होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, उसका समर्थन किया जाए, तो हमारी पार्टियों की ये रणनीति है। इसका दोनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, चाहे आप जो जजपा और आपका गठबंधन है, दूसरा कांग्रेस है, तो क्या हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि इन दोनों में जीतने के बाद भी जिसके उधर जाने की आशंका हो बीजेपी के साथ, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो आज इतना ही, विर्क साहब ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, कांग्रेस या जेजेपी या आम आदमी के शायद वो विरोध में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चोपड़ा जी ने तो अच्छे दिनों की आस जगाई है, लेकिन 23 मई बताएगी कि किसके अच्छे दिन आ रहे हैं। आज इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।